आज के महंगाई के दौर में हर कोई ग्राहक अपनी बड़ी फैमिली के लिए एक एमपीवी कार को कम दामों में तलाशने निकलता है और हर कोई ग्राहक ये भी चाहता है कि कम बजट में कार भी ली जाए और इसमें शानदार फीचर्स भी हमें मिल जाए। तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी उन सभी मिडिल क्लास और मध्य वर्गीय परिवारों का 7 सीटर कार लेने का सपना पूरा करने के लिए एक बार फिर से मैदान में हाजिर हो चुकी है। बता दें कि मार्केट में मारुति सुजुकी एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने बजट सेगमेंट में आज तक कार को लॉन्च करती हुई नजर आती है और हर दिलों में ये कारें राज करती हुई भी दिखाई देती है और देश में एक बार फिर से ईगो जैसी कार को नए अंदाज और नए लुक के साथ लॉन्च किया जा रहा है। मार्केट में ईगो एक ऐसा विकल्प है जिसको बताने की जरूरत नहीं है। ये कार अपने आप में ही शानदार बड़े पैकेज में छोटा धमाका है। ये कार 7 सीटर रफ्तार के साथ भारत में कमर्शियल से लेकर पर्सनल इस्तेमाल में ली जाती है और इस कार को कई ग्राहक अपने लिए पसंद करते हैं क्योंकि यह सिंपल डिजाइन और बेहतरीन अंदाज के साथ कम बजट में आने वाली सबसे सस्ती 7 सीटर कार है। मगर स्मार्ट जमाने और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने अपनी आखिरकार इस देसी कार ईगो को नए अंदाज और नए लुक के साथ लॉन्च करने का एमपीवी अंदाज में निर्णय ले लिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले ईगो की अगर लुक और डिजाइन की ही बात कर ली जाए तो आइए देख लीजिए मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन ईगो अपने बदलते हुए लुक और डिजाइन के साथ कितनी शानदार नजर आती है। ईगो को अब 4x4 के डिजाइन के साथ मार्केट में पहले के मुकाबले बड़ा और चौड़ा रखा गया है, यानी अब इस कार में और भी ज्यादा बेहतरीन स्पेस और सामान रखने से लेकर हर चीज के मामले में ये कार मार्केट की सबसे सस्ती 7 सीटर कार होने वाली है। ईगो के फ्रंट लुक में किया जाए तो बोरिंग डब्बे डिजाइन को इस कार से हटा के इस कार में अब आपको प्रोजेक्टर लाइनअप का इस्तेमाल किया गया है, यानी फॉग लैंप की छुट्टी इस कार से कर दी गई है। आने वाले प्रोजेक्टर लाइनअप की जबरदस्त अपडेट लाइट आपको शानदार लुक के साथ ही बेहतरीन डे टाइम रनिंग लाइट्स के कॉम्बिनेशन के साथ नजर आ जाती है। ईगो जैसी कार में ग्रिल को भी पूरी तरीके से बदला जा चुका है। देख लीजिए आने वाली ईगो में नई रेटिनाइन अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल क्रोम अंदाज से किया गया है जिससे ये कार दिखने में तो काफी खूबसूरत नजर आ रही है और बीच में सुजुकी का लोगो और ऊपर ईगो की ब्रांडिंग भी काफी शानदार इस नए मॉडल को बना रही है। इस कार को पूरी तरीके से स्पोर्टी और एक एमपीवी लुक देने के लिए स्पोर्टी लुक वाले बम्पर का इस्तेमाल भी काफी शानदार तरीके से इस कार में किया गया है जिसमें लगे शानदार फॉग लैंप्स ईगो जैसी कार को मार्केट में पूरी तरीके से एमपीवी कार में ढाल देती है। साइड प्रोफाइल पे गौर किया जाए तो देख लीजिए ईगो जैसी कार अपने पुराने मॉडल के मुकाबले बड़ी और चौड़ी नजर आती है क्योंकि इस कार में अब आपको 17 इंच के अपडेट टायर कंप्लीटेड एलॉय व्हील ऑप्शन के साथ पहली बार इस देसी कार को मार्केट में काफी खास बना रहे हैं। ईगो के ग्राउंड क्लीयरेंस पे गौर किया जाए तो देख लीजिए ईगो काफी ऊंची भारतीय बाजार के तंग रास्ते ग्रामीण क्षेत्र और ऑफ रोडिंग तक का सपना पूरा करने के लिए अपने 7 सीटर रफ्तार में ऊंची डिजाइन की गई है जिसके चलते अब आपको इस कार में कम झटके और शानदार राइड भी मिलने वाली है। ईगो जैसी कार के सबसे खास बात की बात कर ली जाए जो कि इस कार में आप देख पा रहे हैं कि आखिरकार ईगो में अब स्लाइडिंग डोर ऑप्शन को रिप्लेस करके इस कार में फुल साइज एमपीवी डोर लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिससे ईगो पूरी तरीके से एमपीवी वाले लुक के साथ अब नजर आती है और साथ ही साथ बैठने वाले ग्राहकों को भी उस एमपीवी वाला फील देने वाली है। ईगो जैसी कार में आपको नए हैंडल बार्स और नए डोर्स के साथ ही शानदार विंग स्पिनर में एक्शन कैमरे जैसी प्रणाली बजट सेगमेंट में ईगो जैसी कार को एडवांस के साथ काफी हाईटेक भी बना देती है। ईगो जितना शानदार लुक के चलते और बेहतरीन डिजाइन के चलते मार्केट में बनाई गई है उतना ही कार के अंदर एक दमदार इंजन का भी इस्तेमाल आज के बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देने के लिए ईगो जैसी सेगमेंट की कार में कंपनी ने कर डाला है। तो आइए फिर ईगो के इंजन तथा पावर की ही बात कर ली जाए तो पुराने मॉडल से भी ज्यादा इस कार को और भी पावर देने वाला आखिरकार ईगो जैसी कार में अब आपको पहली बार 2.0 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन ईगो को स्मार्ट भी और शानदार पावरफुल भी बना देता है। आने वाली ईगो भारतीय बाजार में पुराने मॉडल के मुकाबले 210 PSP की मैक्सिमम और आउटपुट के साथ 240 NM तक का अडॉप्शन रेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ईगो के अंदर आपको 5 स्पीड AMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन इस बार मिल जाएंगे और साथ ही साथ ईगो के माइलेज और परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो भारत में मारुति सुजुकी की कारें परफॉर्मेंस से लेकर माइलेज के लिए ही तो आज तक जानी आई है और ईगो जैसी कार का माइलेज तो भारतीय बाजार में काफी खास कहा जाता है और अब स्मार्ट जमाने के साथ ईगो और भी स्मार्ट और टेक्नोलॉजी
से लेस हो चुकी है, जिसके चलते नए इंजन ऑप्शन की बदौलत एको जैसी कार का माइलेज 30 से लेकर 32 के आसपास अब प्रति लीटर में पहुंच चुका है ना कमाल की बात। एको का इंतजार आज से नहीं काफी लंबे समय से किया जा रहा था। हर बार कहा जाता है कि एको अपने नए अंदाज और नए लुक के साथ आज तक अपडेट होती हुई मार्केट में लॉन्च करती हुई नजर आई है, मगर इस बार 2024 में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट जनरेशन का भी इस्तेमाल इस कार में किया गया है, जिसके चलते ईको को खूबसूरत लुक तो मिल गया है, मगर उससे खास इस कार के इंटीरियर फीचर्स भी शानदार होने वाले हैं। आज के महंगाई के दौर में हर कोई ग्राहक कम बजट में अपनी कार में शानदार फीचर्स को तो जरूर से तलाशता है। हर कोई चाहता है कि कम बजट में शानदार फीचर्स भी मिल जाए, और लुक के मामले में एमपीवी कार 7 सीटर रफ्तार में भी कम बजट में ली जाए। तो लीजिए, आने वाली ईको कुछ ऐसे ही नए अंदाज और नए लुक के साथ आने वाली है, जिसके चलते इस कार में 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स आपका इंतजार इस कार में कर रहे हैं। मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 ईको के आप डैशबोर्ड पे नजर डाल पा रहे हैं कि कार के डैशबोर्ड को ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ वुडन का लाइनअप तक दिया गया है, जिसके चलते पुराने मॉडल के कंपैरिजन में नया मॉडल तो पूरी तरीके से प्रीमियम एक बार में ही बैठने में आपको बनाने वाला है। ईको जैसी कार में अब दोनों साइड बिल्कुल नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली पुराने मॉडल के मुकाबले इस कार को एडवांस के साथ ही साथ बेहतरीन बनाती है, और साथ ही साथ पीछे तीसरी लाइनअप वाली सीटों में बैठने के लिए भी उन ग्राहकों के लिए ऑटोमेटिक एसी वेंट्स को भी इस कार में जोड़ा गया है। है ना कमाल की बात। ईको जैसी कार स्मार्ट होने के साथ ही 1.2 इंच के सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन के साथ भी नजर आती है, जिसमें कई हद तक जानकारी आपको इस कार में मिलने वाली है। आने वाली ईको में इतना ही नहीं, पहली बार इस कार के अंदर ऐड होने वाला एक फुल साइज 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल आखिरकार फाइनली ईको जैसी कार में कंपनी ने कर डाला है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, यूवी कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे शानदार फीचर्स को आप ईको जैसी कार में ही कर सकते हैं। आने वाली कंफर्ट के मामले में ईको पूरी तरीके से अपने नए सेटिंग ऑप्शन के साथ नजर आ रही है, क्योंकि आज के स्मार्ट जमाने में हर कोई कम झटकों के साथ अपनी राइड को एंजॉय करना चाहता है, और ईको जैसी देसी कार तो अपने 7 सीटर अंदाज में पूरी तरीके से नई हो चुकी है। आखिरकार सीटों की खास बात तो यही है कि आप बैठे बिठाए ईको जैसी कार की सीटों को 13 तरीके से एक्सेस कर सकते, और आने वाली ईको जैसी कार को अपने सेकेंड जनरेशन लाइनअप में जो डिजाइन कर रहा है, जिसके चलते ईको जैसी कार को पहली बार 2024 में पूरे 5 की रेटिंग के साथ जो भारत में लाया गया है। तो आज के महंगाई के दौर में हर वो ग्राहक अपने सेफ्टी फीचर्स के तहत ईको जैसी कार को घर ले जा पाएगा। कीमत की बात कर ली जाए तो मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन ईको को 3 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टिंग बेस वेरिएंट की कीमत केवल 3.30 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस होने वाली है, यानी 4 लाख रुपए से कम के बजट में अब 7 सीटर कार लेने का सपना वो भी एमपीवी अंदाज में ईको जैसी कार के साथ पूरा हो सकता है। तो देरी किस बात की, घर बैठे ही बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पे ईको के लिए कर दीजिएगा अपना दिल से लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।